बड़ी खबर, युवक को ब्लैकमेल करने वाला मौसेरा भाई हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे। सैफुल्लागंज बाजार के पास से गिरफ्तार हुआ आरोपी, मोबाइल फोन से वीडियो लेकर कर रहा था ब्लैकमेल। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने की थी खुदकुशी, जहर खाकर खत्म की थी अपनी जिंदगी की लीला। गोसाईगंज क्षेत्र के सिरवारा शरीफपुर गांव का है मामला। सुल्तानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सिरवारा शरीफपुर गांव में रहने वाले पुतुल निषाद के कातिल को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दरअसल मौसेरे भाई ने मोबाइल फोन से वीडियो लेकर युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिससे तंग आकर पुतुल ने दो दिन पहले ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। खुदकुशी से पूर्व युवक ने खुद के मोबाइल में ब्लैकमेलर के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी की थी। वीडियो में पुतुल रोते हुए बता रहा था कि गांव की एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के साथ उसका वीडियो मोबाइल में था, जिसे दिनेश उर्फ दिन्नी ने धोखे से ले लिया और उसे लगातार ब्लैकमेल करके 3 बार में उससे 40,000 रुपए ले लिए थे। दिनेश उस पर युवती को उसके पास लाने का दबाव बना रहा था, जो पुतुल किसी भी हाल में नहीं करना चाह रहा था। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।